वेल हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू वेलकम टू वीडियो स्टडी विद जॉय आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन जस्ट टेल मी फ्रेंड्स वेदर माई वॉइस इज एब्सोटली ऑडिबल एंड आई एम विजिबल और आज अपने काम को स्टार्ट कर देते हैं तो आज का द हिंदू एटोरियल वॉच एंड वो कैबरी थर्टीथ ऑफ द जुलाई मैं वीडियो आप सभी का स्वागत करता हूँ ठीक है फ्रेंड्स जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए दैट यस सर वॉइस ओके है और सब कुछ ओके ही है है ना एक सेकेंड बस आप मुझे दे दीजिए एक्चुअली मैं हल्का सा एक बार ठीक है तो चलिए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं आज एक बहुत ही अच्छे से कोर्ट के साथ कोर्ट है आप लोगों के सामने एवरीबडी सेज मिस्टेक इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस राइट हर आदमी यही बोलते हैं ना कि जो मिस्टेक होती है दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस बट अगर आप सही चीज़ें देखेंगे बट द रियल फैक्ट इज़ करेक्शन ऑफ मिस्टेक इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस ठीक है ना ये बात होती है कि मिस्टेक अगर बात हो जाए तो वो तो कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन आप मिस्टेक्स को जब आप करेक्ट कर लेते हो उनकी करेक्शन कर लेते हो उनको आप देख लेते हो कि हाँ ये जो है अगर मैं मिस्टेक अगर मैं कर रहा हूँ पिछली बार मैंने ये गलती किया था अब मैं इस गलती को नहीं दोहराऊंगा अगर आपने वो काम कर लिया ना तो सोच लो कि सक्सेस की तरफ आपका एक स्टेप जो है वो आगे बढ़ जाता है अदरवाइज तो फिर गलती करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं एंड यू नो दैट डज नॉट यू कैन से फील गुड राइट ओके तो एक बार कमेंट आप लोगों के मेरे पास आ नहीं रहे हैं मैं भी देख लेता हूँ आज मेरा फ़ोन ही द, द, दम से पता नहीं किधर गया चलिए चलिए शाबाश जी हाँ अब तो आई थिंक या विक्रम सही बोल रहा है ठीक है एवरीथिंग इज़ क्लियर चलिए ठीक है आपका कमेंट्स मेरे पास आ गए हैं रेखा आरव शर्मा दीपक शिवानश इज देयर राइट right? दार्शनिक दीप इज़ देयर चलिए ये हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं मेरे तो क्या हैं आप लोगों के हैं ठीक है आप इनको ज्वाइन कर सकते हो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल वीडियो वर्ल्ड स्टडी विद जॉय जिसमें आपको नोटिफिकेशन जो पी डी हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे अगर आपने अभी भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो जल्दी से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन को प्रेस कर दीजिए ठीक है ये आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और ये आप लोगों का ग्रुप है दैट इज़ इंग्लिश वाईवी डी सर इज अ पब्लिक ग्रुप जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर आज का सेशन कैसा रहने वाला है कोर्ट ऑफ द डे देन इम्पोर्टेंट न्यूज़ बर्ड आई व्यू ऑफ द आर्टिकल्स उसके बाद हम अपना वोकैबुलरी डेवलपमेंट पार्ट करेंगे देन वी विल हैव अ डिटेल डिस्कशन ऑन इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स इंपोर्टेंट वन लाइनर मैं कुछ आपको दूंगा कुछ ग्रामर पॉइंट्स करेंगे ठीक है ये सारा काम करेंगे तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कि यस सर रेडी हैं ओके चलिए तो थर्टीन तो, तो जुलाई द हिंदू के लिए अगर मैं बात करूँ सबसे पहले जो एक दो न्यूज़ है इम्पोर्टेंट वो मैं आप लोगों के सामने बता देता हूँ आपको पता होगा कि नेपाल की जो सुप्रीम कोर्ट है आपने देखा होगा जो हमारे नेपाल के जो अगर मैं बात करूँ प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली उन्होंने पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने के लिए जो है आप, आपने देखा होगा उन्होंने बोला था ठीक है और उन्होंने इसको हरी झंडी किसी दी थी विद्या देवी भंडारी ने जो उनके वहाँ के प्रेसिडेंट थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको क्लियर कट जो है मंडे की बात, बात बता रहा हूँ आज ट्यूसडे है क्लियर कट उनको बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट इवन रेन स्टेट द फैक्ट दैट द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर द सेकेंड टाइम फॉर फाइव मंथ्स राइट और अगर मैं बात करूँ उन्होंने जो नेपाल के जो पी है वो हमारे शेख बहादुर देवबा साहब को पीएम बना दिया है आप ये फ्रंट पेज का न्यूज़ है इसको आप जरूर एक बार देख लीजिएगा ठीक है एक प्रैक्टिस बैच लिया हूँ एफ कैट के लिए वाई पर तो आरव शर्मा जी आपकी बात तो बिल्कुल सही है लेकिन जब मैं ऐसे कैसे ला सकता हूँ आप मुझे बताइए मुझे जब यूट्यूब बोलेगा मतलब हमारी टेक्स्ट बुक बोलेगी मैं तभी ला सकता हूँ ना ये तो मैंने उनसे परमिशन लेके अपने चैनल पे चला रखा है ठीक है ना बिकॉज वहाँ पे मैं नहीं उसको अभी रन कर सकता हूँ ये सेशन मैं देता हूँ आप लोगों को जब वहाँ पे आएगा तभी बैच आपको मिल जाएगा सिंपल राइट right? लेकिन इसके अलावा सेशन एक आप अगर आप बोलोगे कि एक और सेशन शाम को लेके आ दैट इज़ अ लिटिल बिट प्रॉब्लम आप आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इस चीज़ को ठीक है इससे अच्छा तो ये है जैसे आज जो, 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 जो मेरी मास्टर क्लास होती है आप लोगों को एक्चुअली मेरा शेड्यूल नहीं पता है शेड्यूल जिस बच्चे को नहीं पता वही बच्चा बोलेगा कम से कम तीन क्लास तो है वो मैं हफ्ते में आप लोगों को देता ही देता हूँ मास्टर क्लास की ठीक है ये क्लास आपकी सुबह रहती है दो ही क्लास तो मिस होती है ना दो ही क्लास बस आपकी हफ्ते में नहीं होती यही कहना चाह रहे हो ना दो क्लास उनको मैनेज कर लेंगे आप ये देखिए जो आपको मिल रहा है पाँच और तीन आठ सात आठ नौ क्लास जो मिल रही हैं उनको आप लोगों को कम से कम कीजिए ठीक है ना उनको आप कर लीजिए आरव आपको पता नहीं है शायद हम चार बजे क्लास लेते हैं टी, -टी में ट्यूजडे को थर्सडे को और सैटरडे को तो बेटा आज आप आइए एंड फील द डिफरेंस सिंपल ठीक है गॉड इट नाउ आज भी है क्लास तो वो देखो जिन बच्चों को पता है उनको पता है जिनको नहीं पता वो नहीं पता है इसलिए आप लोगों को बोलता हूँ कि जो वो मैं ऐसे मैं ऐसे बोलता बोलता हूँ स्लाइड में मैं ये बोलता हूँ ग्रुप को ज्वाइन करो उस ग्रुप में आप लोग एक्टिव रहो ग्रुप में रहोगे बातें करोगे फालतू की बातें करते रहते हैं ग्रुप में काम की बातें करो हट जाओ बस बात खत्म देख लो उसमें आप लोग है ना ये काम आप लोगों को करना है सेवनटी एट इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन में बना के लाता हूँ यार बताओ आप लोग मैं ठीक है ना आ रहा हूँ तो 78 एट गर्ल्स फाउंड लिविंग इन क्रैम्प्ड डर्टी रूम्स ये एक और अच्छा न्यूज़ है पेज नंबर थ्री पे है ये आप लोगों का जिसके पास भी पेपर हो जरूर पढ़िएगा इस न्यूज़ को एक तो देखो मैं ये कुछ न्यूज़ आप लोगों को क्यों पढ़ने को बोलता हूँ इससे क्या होगा इससे आप लोगों का जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो फियर है ना वो आपका कम हो जाएगा समझ में आया ठीक है ना तो सेवेंटी एट गर्ल्स फाउंड लिविंग इन क्रैम्प्ड क्रैम्प्ड यू कैन अंडरस्टैंड मैं बताऊंगा इस मीनिंग को ये मीनिंग होता क्या है राइट डी रूम्स में गंदे रूम्स में क्रैम्प्ड में सेवेंटी एट गर्ल्स मिली हैं ठीक है दिल्ली में कैन यू इमेजिन कैन यू सी द प्लाइट ऑफ स्टूडेंट्स नाउ और ये तो सेवनटी एट है अगर मैं जब मैं इस न्यूज़ को रिसर्च कर रहा था मुझे पता चला वो टू थर्टी एट है कि वहाँ पर इतनी फैमिली मिली है जिनके बेचारे के माँ बाप नहीं हैं किसी के मम्मी जो है Uh, किसी के माँ बाप दोनों किसी का एक पेरेंट जो है वो कोविड नाइन्टीन में मर गया है तो केजरीवाल सरकार ने ये एक uh, इनको थोड़ा सा बूस्ट पैकेज जो है वो दिया है कि इन बच्चों को पच्चीस uh, सौ रुपये पर मंथ जब तक ये टिल दे अटेन द एज ऑफ फाइव ट्वेंटी फाइव ठीक है ना इनको हम लोग देंगे इस तरह से उन्होंने बोला हुआ है ये ठीक है ना तो ये आप देख सकते हो इसको जरूर पढ़ना एक बार न्यूज़ को क्योंकि अगर मैंने आपको स्टोरी बताई है ना तो बड़ी ईजिली आप लोग जो है इसके अंदर की स्टोरी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो जैसे मैं इसमें लिखा हुआ है सर द कूलर्स वर नॉट वर्किंग फोर्सिंग द चिल्ड्रन टू सिट इन द स्कॉचिंग हीट इस तरह से गंदे रूम थे नो no सैनिटेशन था वहाँ पर कोई वर्कर नहीं था काम करने वाला और उन्होंने क्या लिख रखा था कि यहाँ पर वो बच्चे रह रहे हैं ये वो गर्ल्स हैं जिनके पेरेंट्स जो है वो मर चुके हैं अब किस तरह के बेचारे उनको ये लोग अब आप समझ सकते हो मैं है ना ठीक है ना किस तरह की जो आ, अगर मैं बात करूँ जो आ, आ, जो प्रॉब्लम्स हैं जो उनको फेस हो रही होंगी है ना वो वो बहुत दे आर मतलब दे आर बियॉन्ड थाट आप उनको सोच भी नहीं सकते हो ठीक है एक ये आर्टिकल पढ़ लेना आप लोग सॉरी एक ये न्यूज़ पढ़ लेना एक ये आपने याद होगा मैंने आपको एक आर्टिकल दिया था दैट इज़ फॉर लक्षद्वीप के ऊपर था वो बीजेपी के जो एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पे थे तो लक्षद्वीप उन्होंने क्या किया है उसके लिए हाई कोर्ट में वो वो मामला चला गया था ना कुछ लोगों ने पटिशन फाइल किया था केरला हाई कोर्ट में तो लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बोला है कि भाई हमने जो है यहाँ पर बीफ कंजम्पशन जो है या मीट कंजम्पशन सॉरी मीट कंजम्पशन यहाँ पर इसलिए कम कर दिया है मिड डे मील स्कीम वहाँ वहाँ भी तो होती है जैसे यहाँ पे तो अभी मिड स्की मिड मिड डे मील स्कीम्स भी बंद हैं आज एक ऐसा ही आर्टिकल भी आया हुआ है बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मैं पढ़ाऊँ आप लोगों को तो लॉस्ट इज़ फोस्ट क्लोजर ऑफ डेयरी फार्म्स लक्षद्वीप टेल्स हाई कोर्ट लक्षद्दीप की तरफ से जब लोगों ने यहाँ पर केरला हाई कोर्ट में मुकदमा डाला केरल कोर्ट में लक्षद्वीप के खिलाफ जो मुकदमा डाला उसमें लक्षद्वीप की तरफ से जो बात आई है मतलब एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से जो बात आई वो ये आई है कि सर डेयरी फार्म हम लोगों ने इसलिए बंद किए हैं क्योंकि नब्बे लाख पर ईयर का हमें लॉस हो रहा है अब अब बात इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो एविडेंस दिखाएंगे ठीक है ना एक बात ये रखी है गॉट इट ना जो क्योंकि जो कई लोगों ने पी आई एल फार्म किया था कि भाई डेरी फार्म शट डाउन कर रहे हैं ये कितना गलत बात हो रहा है दूसरा उन्होंने बात बोला कि इन इन लोगों ने जो है आ, 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 अगर मैं बात करूं जो आ, आ, जो कंजम्पशन ऑफ मीट है वो मिड डे मील स्कीम से हटा दिया है उन्होंने क्या बोला फिर लक्षद्वीप वाले ने कि सर ये लोग ना ड्राई फ्रूट और फ्रूट नहीं खाते तो हम लोग इनको ड्राई फ्रूट और फ्रूट खिला रहे हैं इसलिए हमने वो मीट बंद किया है आप देखिए आप अगर किसी एक इंसान जो Uh, किसी एक पर्टिकुलर इलाके का है आप उसको वही फूड पसंद आएगा ठीक है ना वो जहाँ का है अगर आप जो सी एरिया के लोग हैं उनको आप लोग दूध पिलाओगे तो वो नहीं पी पाएंगे दूध को ठीक है क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो ऐसी एडजस्ट नहीं है ये तो बात आप भी मानते होगे इतना तो हाँ कुछ हद तक हम जो है उस चीज़ को कम कर सकते हैं मैं तो ये ये कहूँगा कि आप उसमें उसको एक्स्ट्रा डाइट बना के दे दो फिर जो उनको बच्चों को अच्छा लगे उनको बता दो मतलब देखो ना डाइट के बारे में आप उस बता दो आप उसको बंद मत करो इससे क्या होगा कि इससे बहुत गलत इफेक्ट पड़ जाएगा कि आपको जबरदस्ती कुछ खिलाया जा रहा है भैया आपका ये खाने का मन नहीं है लेकिन फिर भी आपको ये खिलाया जा रहा है मेरा पर्सनल जो व्यू है वो ये था कि जो बच्चे हैं या स्कूल्स हैं उनमें एक या दो महीने के अंदर अंदर एक हल्के हल्के कुछ आर्टिकल्स कुछ टीचर्स जाके वो ये बता दें कि ड्राई फ्रूट्स खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं क्या क्या नुकसान है उसका कोई नुकसान तो है ही नहीं आपको ये पता ही होगा और मीट खाने का क्या क्या फ़ायदा क्या क्या, -क्या नुकसान है बच्चा समझ लेगा यार क्या दिक्कत है उसको नहीं पता तभी तो वो ये काम कर रहे है ना किसी ने बताया ही नहीं उसको ये काम बस आप लोगों को कर दो आप इस तरह से बंद मत करो नहीं तो ये लोग इसको अपनी टू करटेल द फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स ऑफ़ इंडिया इस तरह से लोग उसको ले लेंगे और वो बहुत गलत हो जाएगा वहाँ पर ठीक है ना तो थोड़ा सा ये सोचना चाहिए नो no डाउट जब मुझे ये बात पता चली कि यार अच्छा ये लोग मिड डे मील में ड्राई फ्रूट दे रहे हैं या या और फ्रूट दे रहे हैं तो वो एक अच्छी बात है वो गलत बात नहीं है लेकिन उसकी बॉडी भी तो एथेमेटाइज होनी चाहिए उसके लिए ठीक है ना ये बात है तो आप इसको भी एक बार इसको आर्टिकल को भी इसको भी पढ़ लीजिएगा ये आई थिंक पेज नंबर सिक्स पे है ठीक है तो ये कुछ एक चीज़ें मैं अब नई यहाँ पर ऐसे लाने लगा हूँ ताकि आप लोगों को पूरा पेपर के साथ आप गो थ्रू हो जाओ ठीक है उसके बाद हम आर्टिकल्स पे आ जाएँ ठीक है ना एक इसमें केरल कैपिटल में है मुझे कल एक बच्चा बता भी रहा था कल परसों की बात है दैट केरल में उन्नीस लोग जो हैं जो जीका वायरस से अफेक्टेड हैं अगर आप देखोगे रिपोर्ट्स वन मोर जी का केस ठीक है ना और ये अगर मैं बात करूँ द टोटल नंबर ऑफ केसेज जो है वो उन्नीस हो चुके हैं अब ये कोरोना से पीछा छुड़ा नहीं था तो ऊपर से यहाँ पर आप लोगों को केरल में जो है ये जी का वायरस आ गया ठीक है ना जेड के जेड आई के वी जी का वायरस इन्फेक्शन वॉज कन्फर्म्ड इन वन मोर पर्सन इन तिरुवनंतपुरम ये सारा उधर ही उधर पता नहीं अब अब ओबियस बात है जब आप उनको ये बताओगे कि देखो केरल हाई कोर्ट की बात थी पहली अब ये केरल हाई कोर्ट में यहाँ पे आया हुआ है कैन यू इमेजिन नाउ कैसे आप लिंक कर सकते हो कि भाई ये जो अगर आप इस तरह से जो आप लोग अगर मीट का कंजम्पशन करोगे तो इनके अंदर कुछ बीमारियां तो होती होंगी ना तभी तो आप लोगों को ये वायरस फैल रहे हैं आप मुझे ये बताओ मैं गलत बोल रहा हूँ क्या ठीक है भाई जू जूनोटिक जु, जो स्पिल ओवर होता है आप लोगों को ये वर्ड समझना चाहिए काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक टर्म में बोल रहा हूँ देर इज़ अ टर्म दैट इज़ कॉल जूनोटिक स्पिल ओवर जूनोटिक पिल ओवर मीन्स के जो जानवरों से आदमी के अंदर जो वायरस चले जाते हैं ठीक है उसको कहा जाता है जूनोटिक पिल ओवर गॉड इट ना बेटा तो ये जब आप इस तरह की चीज़ें बच्चों को बताओगे तो अपने आप वो समझ जाएंगे अब केरल में उन्नीस केस तो केरल में आ रखे हैं और केरल वालों ने हाई कोर्ट में मुकदमा डाल रखा है कि हमारा जो है वो मीट बंद करो तो कुछ ना कुछ मैनेज कर लो कुछ ना कुछ दिखाओ चीज़ों को ठीक है ना जितना मेरा फिर है मैं उतनी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ अरे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते जल्दी आ जाओ भाई एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग देखो सेशन को एक तो शेयर कर दिया करो ये आप लोगों से बस मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ ठीक है ना अभी आप हमारे पास अभी अठारह बच्चे हैं एक एक बच्चा अगर शेयर करेगा तो हमारे पास फोर्टी प्लस बच्चे अभी हो जाएंगे ठीक है ना उन्नीस बच्चे मेरे पास अभी आ गए हैं तो आप जल्द ना जल्द ज़्यादा हो सके सेशन को शेयर कर दिया करो शेयर करने से क्या होता है शेयर शेयरिंग इज़ केयरिंग यू नो तो दूसरे बच्चों को भी आप लोगों को ये मिल जाएगा चलिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बाद मैं आप लोगों के सामने जो हमारा बर्ड आई व्यू होता है मैं उस पर आप लोगों को लेके चलता हूँ तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि क्या बर्ड आई में आज हम लोगों को पढ़ना है कौन कौन से आर्टिकल हैं जो हमें डिस्कस करने हैं वो आप लोगों के सामने में रख देता हूँ एक है द पावर ऑफ स्क्रूटनी अब यहाँ पे जो ये साहब थे हमारे एम थे जो फेसबुक के फेसबुक चलाते हो ना उसके रिगार्डिंग आ रहा है ठीक है तो जो एम थे फेसबुक के अगर आप देखोगे उन्होंने क्या किया है एम ने Uh, काफ़ी सारे जो है uh, अगर मैं बात करूं उस उनके ऊपर जो है अगर आप देखोगे क्या लगाया उन्होंने इतने सारा जो है उन्होंने ये लगाया कि सर मेरे को जो इन्होंने uh, दिल्ली जो आपकी असेंबली है दिल्ली असम्बली ने सीनियर ऑफिशियल जो है फेसबुक का उसको सम्मान किया था ठीक है ना लास्ट वीक में अगर आप आपने देखा हो तो कई महीने पहले की बात है ये लास्ट वीक में कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है ये तो इन्होंने ये किया कि सर जो दिल्ली के जो दंगे हुए थे उसमें जो है दिल्ली के जो दंगे हुए थे उसमें क्या हुआ था उनमें फेसबुक का जो काफ़ी ज़्यादा रोल था दंगों को भड़काने में ठीक है ना ये वो बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा वीडियोज इन्होंने वायरल कर दी इस तरह से क्योंकि दिल्ली की छवि को ख़राब करने के लिए ठीक है ना गॉट इट ना हालांकि लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है लेकिन फिर भी जो है ये कुछ एक इसलिए उन्होंने उसको समन किया वो समन किया तो वो पहुँच ही नहीं रहे थे वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ठीक है अब सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने क्या बोला फिर उस, उसके बाद में जब उन्होंने जवाब दिया अपना हाँ जब उन्होंने उन्होंने जवाब दिया तो उन्होंने क्या बोला जरा देखो जरा मैं आपको बताता हूँ तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि सर ये जो है ये जो आप लोग मुझे बता रहे हो कि भाई मुझे आ, ये लेजिस्टिव असेंबली की तरफ से मुझे कुछ जवाब देना चाहिए ये तो इनकी पावर ही नहीं है दिल्ली न, दिल्ली गवर्नमेंट की तो ये तो सेंटर की पावर है सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोल दिया फिर ऐसा है हमें लो मत समझाओ हमें लो का बारे में अच्छे से पता है ठीक है लो को अब तुम सुनो गोड ना कि तुम्हारा जो काम होता है वो इसका मत, इसका मतलब ये नहीं होता Uh, कि तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ ये एक फेसबुक तो ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है नहीं आप लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है कोई भी बुरा कंटेंट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट लिखा है इसलिए उन्हें स्क्रूटनी की है बोल रहा है कि स्क्रूटनी का मतलब छानबीन की जो ताकत बता रहा है कि जो भी स्क्रूटनी अगर आप लोग सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई है वो काबिल तारीफ़ है मैं उसके बारे में बात करूँगा अभी उन्होंने ये बताया है कि कोई भी कंटेंट अगर आप लोग फेसबुक के ऊपर डालते हो अगर वो गलत है और वो काफ़ी ज़्यादा एरिया में उसका बैड इम्पैक्ट जा सकता है ये वो बात बताना चाह रहे हैं इसीलिए चुपचाप आप आओ और इस बात के बारे में आके बातचीत हमसे करो ठीक है ना इसका मतलब ये नहीं कि आप आओगे नहीं तो वो इसके बारे में हम अच्छे से बात कर लेंगे ठीक है मैं बता दूंगा आप लोगों को आर्टिकल को टाई एट द टॉप ये नोवाक जोकोविक जो है वो विम्बल्टन जीत चुके हैं ठीक है ना एक मिस था उनका अब ये भी ट्वेंटी वाले जो आप लोगों के ग्रैंड स्लैम है उसमें उस टेल में आ चुके हैं ठीक है और इनका जो रनर अप था बस इतना ही बात आपको याद रखना है नोवाक जोकोविच था रनर अप इनका कौन था वो आप लोग उसको बता सकते हो ठीक है ना इट ना दैट इज़ वॉल दैट वॉज आई थिंक मैटियो बेरिटनी ठीक है ना वो उनके रनर अप थे और ये सीधे उसमें इस बार उन्होंने विम्बलडन जो है वो जीत लिया है इट ना इस बारे में इसमें बात है तो बाकी और कुछ मेरे ख्याल आपको पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है विनर जो है विम्बलडन इनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है ठीक है ना ऑस्ट्रेलियन ओपन है फ्रेंच है विम्बलडन है ए एफ डब्ल्यू एस ना यू एस ओपन है आप लोगों का ठीक है तो अभी यूएस ओपन नेक्स्ट मंथ आ जाएगा गॉट इट ना तो ये है बस इतना सा आप लोगों को ध्यान रखना है और इसमें कुछ ज्यादा ध्यान रखने वाली बात नहीं है ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो सी ए पी एफ वाला बच्चा जरा ध्यान से देखेगा सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेज राइट ध्यान से सुनिए शिवांश आरव अगर आप लोग सी ए पी एफ का एग्जाम दे रहे हो एक सौ एक परसेंट आप लोगों से इस बार स्कूल एजुकेशन के ऊपर एक बीस नंबर का आर्टिकल आएगा और ये बीस नंबर यहाँ पर रखे हुए हैं रखे हुए हैं बिल्कुल यहाँ पर सिर्फ इस चीज़ को कर लो और कुछ नहीं करना ठीक है ना सिर्फ इसको कर लो और आपको कुछ भी नहीं करना मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें से ही आप लोगों के 200 सौ बट बड़े आराम से मिल जाएंगे आप लोगों को ठीक है हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और जो आप लोगों की प्लाइट है वो भी मैं डिस्कस करूंगा काफ़ी सारे स्कूल जो हैं इंडिया के वो क्लोज हैं मार्च दो से क्लोज हैं वो स्कूल ठीक है ना किस तरह का उसका क्लोज स्कूल्स का जो कोस्ट है वो किन के ऊपर आ रही है वो जो स्कूल है अगर वो क्लोज है उसका इम्पैक्ट जो हो किन किन के ऊपर जा रहा है क्या वाकई ये सच बात है कि अगर स्कूल खुलेंगे तो क्या बच्चों को बच्चे इन्फेक्टिड हो जाएंगे और अगर नहीं तो क्यों नहीं खोल रहे हैं चलो हाँ अगर हम ये मान लें कि थर्ड वेव आएगी तो थर्ड वेव कितनी उसके पीछे कितनी उसके पीछे ऑथेंटिसिटी है कितना सबस्टेंश, सबस्टेंशालिटी है ये हमें बात करना पड़ेगा ठीक है ना सारे की सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पर अच्छी सी बात कर रखी है गॉट इट ये वाला आर्टिकल जो है एक पॉलिटिकल आर्टिकल है आप यूपी में अगर आपको बताई है अब वेस्ट बंगाल खत्म हुआ है ईस्ट साइड ख़त्म हुई है तो वेस्ट साइड आ गई है ठीक है तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ और नहीं करना सिर्फ एक काम करना है एंड दैट इज़ यू कैन से अगर मैं बात करूँ इसको कोई ज़्यादा आर्टिकल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल एकदम से पोलिटिकल आर्टिकल है वो ये बता रहे हैं कि यूपी की जो जो सिटीज़न है यू कैन से वो 2007 में देखो डिफरेंट गवर्नमेंट 12 में 17 में डिफरेंट 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 गवर्नमेंट जो है वो है ठीक है तो इसका मतलब अगर कोई भी उनको ये खामियां लगती है कि हाँ यार, यार ये गवर्नमेंट अभी जो है काम नहीं कर रहे तो वो तभी उसको बदल देते हैं यूपी गवर्नमेंट अब आप उनको पता ही है कि नेक्स्ट इलेक्शन अगर ये लोग अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं पाँच साल हो गए हैं होने वाले हैं पूरे अगर ये इन लोगों को ये लगता है कि अगर आप लोगों ने इस बार अगर हार गए तो डेफिनेटली देफ, देर विल बी ग्रेट प्रॉब्लम नाउ सारे बच्चे बताओ जरा होगा कि नहीं होगा अब वो जो लोग भरे बैठे हैं पाँच पाँच साल से बी का तो ये बता रहा है कि उसका तो कह uh, से जो अगर मैं बात बोलूँ जो करियर है वही फिनिश होता चला जा रहा है क्योंकि काफ़ी दिनों से काफ़ी सालों से जो ऑलमोस्ट दस साल हो जाएंगे लाइमलाइट में ही नहीं है ठीक है ना समझ में मायावती जी हमारी तो ये थोड़ा सा इसमें आ, आर्टिकल में बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे आगे उत्तर प्रदेश की जो लड़ाई है वो चलने वाली है ठीक है वो हम बात करते रहेंगे मेन बात मैंने आप लोगों को इसमें बता दिया है इसके रिगार्डिंग अब हम मुझे कुछ वर्ड्स आप लोगों को करवाने हैं ठीक है गॉडेट सारे बच्चे मुझे बताइए क्या रेडी हो अपने एक पेन और कॉपी उठाइए पेन कॉपी उठाइए वहां पर थर्टीन थोड़ा तो तो जुलाई लिखिए थर्टीन जुलाई वीडिय सर मॉर्निंग लेक्चर और अपने काम को काम काम करना स्टार्ट कर दीजिए ठीक है मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर यू कैन से फर्स्ट से आप लोगों का जो है मैं आप लोगों को ये दे रहा हूं चलिए फटाफट -फड़ जो है एक बार देख लेते हैं चलिए राइट right. तो फर्स्ट जो वर्ड है फर्स्ट जो वर्ड है दैट इज कॉल्ड वर्ड क्रैम्प्ड वर्ड है क्या है क्रैम्ड जो मैंने बताया था क्रैम्ड रूम में लिखा हुआ है ना उसमें रेडियो सारे बच्चे तो फर्स्ट जो वर्ड है वो क्या है क्रैम्प्ड है ठीक है ना चलिए बीजेपी विल कम अगेन सर अच्छी बात है चलो लेट अस सी देखते हैं <laughs> अच्छी बात है जो भी गवर्नमेंट आए देखो हमें तो कोई कोई वो नहीं है लेकिन जो भी गवर्नमेंट आए लोगों की भलाई के लिए काम करे दैट्स इट बस बात खत्म लोगों को पता है उनकी भलाई के लिए काम हुआ है कि नहीं हुआ अगर हुआ है ना

क्रैम्प्ड बोल सकते हो अच्छा एक बात और मैं बता दूँ किसी भी क्रैम्प जो ये वर्ड होता है क्रैम्प जो होता है ये आ, आप लोगों का ये एक ऐसे ऐसे भी यूज़ होता है मैं आपको जैसे यूज़ करके दिखाता हूँ एक तो ये क्रैम्प्ड हाउस हो गया यार बिल्कुल छोटा सा घर है इन लोगों का एक क्रैम्प्ड हाउस uh, जैसे आई हैव अ वेरी क्रैम्प्ड शेड्यूल है ना मेरे पास क्या है बहुत क्रैम्प्ड शेड्यूल है अब शेड्यूल का मतलब ये नहीं कि मेरा शेड्यूल छोटा है मतलब बहुत ही बिजी शेड्यूल है राइट यू कैन से दैट दैट बेटा प्लीज कॉल में आफ्टर सेवन थर्टी आई हैव अ वेरी क्रैम्प शेड्यूल ऐसे ही आप बोल सकते हो अगर आप बिजी हो पढ़ रहे हो यार राइट नो आई हैव अ वेरी क्रैम्प शेड्यूल प्लीज इज इट पॉसिबल फॉर यू इफ यू कैन वी कैन चैट और यू कैन से टॉक इन द इवनिंग राइट इस सेंस में आप यूज कर सकते हो चलिए इनक्विजिटिव जो है वहाँ पे लिखा हुआ है इनक्विजिटिव एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है क्या होता है इनक्विजिटिव का मतलब चीजों की तह तक जाने वाला वॉन्टिंग टू डिस्कवर एज मच एज यू कैन inquisitive बोलते हैं बोलते हैं ना इतना inquisitive है जिसको जिज्ञासा होती है इन हिंदी वेरी गुड एन इनक्टिव चाइल्ड राइट ऐसे आप यूज कर सकते हो दैट इज वट कॉल्ड चाइल्ड कई बच्चे ऐसे होते हैं पूछो मत ठीक है ना मतलब कुछ भी उनको दे दो आप लोग उसकी तह तक जाएंगे अगर ये पेन है तो ये क्यों है ये ऐसा क्यों है इसमें इंक क्यों नहीं है समझ में इंक है तो फिर कहाँ से भरते हो अगर इंक नहीं है तो क्यों नहीं है और ये चल कैसे रहा है राइट right? ऐसे ये किसने बनाया है एक हज़ार तरह के क्वेश्चन इसके ऊपर हो जाते हैं दैट इज दैट इज कॉल्ड इनक्विजिटिवनेस इनक्विजिटिव चाइल्ड राइट वांटिंग टू डिस्कवर वेरी वेरी गुड दीपक सी आई आई ऑब्जर्व द मोमेंट आई राइट डाउन आई गिव यू अ वर्ड दीपक यादव इमीडिएटली एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट राइट डाउन दैट वर्ड इन द कमेंट बॉक्स और इससे क्या होगा जैसे मैं ये वर्ड टाइप करता हूँ मैं ये वर्ड लिखता भी हूँ ये बाद में इनको कभी यूज भी कर लेते हैं यही एक तरीका है दिस इज दी ओनली वे टू लर्न व कैबलरी आई एम टेलिंग यू गोट एड नाम सो एन इनक्विजिटिव चाइल्ड इफ यू हैव एनी इनक्विजिटिव चाइल्ड एट होम यू कैन नेम दैम राइट गोट एड नाम सो इनक्टर इनक्विजिटिव से बना हुआ है आप लोगों का इंक्विजिटर वो क्या होता है एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है बेटा हु आस्क अलॉट ऑफ क्वेश्चन राइट इस सेंस में आप यूज कर सकते हो जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है इनक्विजिटर आप लोगों में से कौन सा है वो आप बता सकते हो है कोई इस दिन इनक्विजिटर है ना एक दो है मेरी क्लास में भी है एन एनोइंग इनक्विजिटर राइट ऐसे आप यूज कर सकते हो इनक्विजिटर आप एक नाउन के सेंस में यूज हो जाएगा अनोइंग विवेन प्लस आय जी प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हो जाएगा सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज ओ यार ही इज एन एनोइंग इनक्विजिटर गोट इट ना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ठीक है या वाइन नॉट बिल्कुल अंकुर हम जब ग्रामर पॉइंट करेंगे तब आप लोग पूछ लीजिएगा ठीक है एन अनोइंग इंक्विजिटर राइट इस सेंस में आप यूज कर सकते हो आगे देखो इंक्विजिटोरियल राइट right? वो उस, ये भी आप लोगों का ऐसे ही बनता है इनक्विजिटोरियल जो वहां पे जो वर्ड वहां पर दिया हुआ है राइट दैट इज कॉल्ड वर्ट आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड वर्ट आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन इस सेंस में आप इंक्विजिटोरियल 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 बोलो चार पांच बार बोलो पाँच छः बार बोलोगे तो अच्छा लगेगा ठीक है ना आपको यूथ याद हो जाएगा ये वर्ड आप लोगों को ठीक है शहबाज कमोन शहबाज शहबा शहबाज सेशन को शेयर कर दीजिए देखो कितना अच्छा लगता है राइट नाट ट्वेंटी थ्री स्टूडेंट्स आर देयर विद मी ये ट्वेंटी थ्री जो है वो फोर्टी सिक्स भी बना सकते हैं अभी के अभी बना सकते हैं ठीक है जल्दी से आइए और उन बच्चों को बताइए आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चन जरा देखो शी हैड एन इनक्विजिटोरियल मैनर है ना ऐसे आप इसको बोल सकते हो आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चन मैंने तीनों वर्ड बताए हैं आप लोगों को

सेकेंड फॉर्म में यूज़ हो रखा है जहाँ पे वो वर्ड यूज हो रखा है वो स्ट्रक ब्लो है है ना द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक ब्लो उन्होंने वापस उसके अटैक किया वो अटैक कर रहा था कि अरे सर देखो ना ये कहाँ दिल्ली गवर्नमेंट आ रही है सर मैं अब मैं जो है वो फेसबुक है मैं आई लॉ से गवर्न करता हूँ इसकी इनकी क्या औकात है सर मेरे को ये समन करके बुला रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने बोला रुक जा थम जा रुक जा हमें पता है किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना तो आप पहले जवाब दें इसको ठीक है ना ये तो प्रहार करना उन्होंने अपहोल्ड किया है डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली को कुछ उन्होंने ये भी देखा होगा एक पिछले कितने दिनों से इनका ये टर्फ वॉर चल रहा है ना कोई कहता है मेरी ज़मीन कोई कहता है मेरी ज़मीन है ना कोई टर्फ टर्फ वॉर ही तो बोलते हैं इसको टर्फ का मतलब ज़मीन टर्फ वॉर का मतलब वो कहता है नहीं मारा सिस्टम वो कहता नहीं मारा सिस्टम समझ में आया ना तो उन्होंने ये भी देखा होगा कि यार ये कुछ ज़्यादा ही जो है सेंटर जो है इसको परेशान कर रहा है दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली को आओ जाए इसको भी उत्तर बता देता हूँ इसीलिए अब तक हम लोग बचे हुए हैं जुडिशरी जो, जो है वो थोड़ी सी जो कहें पार्शालिटी नहीं करती है तभी हम लोग बचे भी हुए हैं ठीक है ना अप होल्ड करना यू कैन से कन्फर्म करना सपोर्ट करना इस सेंस में आप यूज़ कर सकते हो आप होल्ड करना देखिए अप होल्ड एक वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है अप होल्ड अप हेल्ड अप हेल्ड आई अप हैल्ड योर डिसीजन मतलब मैंने दुम डिसीजन को सपोर्ट किया था उस टाइम पे आई वॉन्ट टू अप होल्ड दिस व्यू पॉइंट ग्रुप डिस्कशन में कहीं बैठे हुए हो किसी पॉइंट ने किसी जैसे दीपक यादव ने कोई अच्छा पॉइंट बोल दिया तो शिवानशु उसको बोल सकता है आई वॉन्ट टू अप होल्ड द कमेंट ऑफ माई बॉडी इस सेंस में यूज कर सकते हो समझ में आया अरे क्लियर है कि नहीं है तो हम सब दिखा सकते हो अब होल्ड अगर समझ में आया काफी अच्छा वर्ड था यूज करो इन वर्ड्स को ठीक है अब फोल्ड क्या होता है कन्फर्म करना सपोर्ट करना गॉट इट नेक्स्ट देखो जरा डिस्कॉर्डेंस डिस्कॉर्डेंस जो होता है लैक ऑफ अग्रीमेंट इसको आप लोग बोल सकते हो कंसिस्टेंसी बोल सकते हो ठीक है आप यूज कर सकते हो रिकमेंडेटरी रिकमेंडेटरी जो सिफारिश होता है उसको रिकमेंडेटरी बोलते हैं ठीक है ना सपोर्टिंग करने वाला सर्विंग टू रिकमेंड मैंने उसको रिकमेंड किया है रिकमेंड करने का मतलब क्या मैंने उसको सपोर्ट किया है ठीक है ना इस सेंस में आप यूज कर करेंगे बोलते ना ये ये कैंडिडेट है है ना इसको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ अब मैं आपको पास भेज रहा हूँ मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ ऐसे गॉट इट ना ऐसे ठीक है ना तो रिकमेंडेटरी क्या होता है इंडियन गवर्नमेंट हैज स्ट्राइक ए ब्लो ऑन फेसबुक विक्रम सिंह रनावत एक सेंटेंस उल्टा बोल दिया इंडियन गवर्नमेंट फेसबुक का कैसे करेगी फेसबुक का तो उनके साथ बढ़िया रिलेशनशिप है कमाल कर रहे हो ध्यान से देखो क्या बोल रहे हो ठीक है <laughs> कुछ भी <laughs> लेकिन स्ट्राइक का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी तो लगाओगे विक्रम साहब हाँ बेटा स्ट्राइक का हैज लिखा ना आपने देखो यहां भी ग्रामर की भी क्लास है वहां पे आपने हैज लिखा है तो हैज इज ऑलवेज फॉलोड बाय द थर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रक हैज स्ट्रक ए ब्लो ऑन फेसबुक इस सेंस में यूज करोगे गॉट हेट ना चलिए एनक्रोचिंग एनक्रोचिंग क्या होता है इंट्रूड करना अंदर घुस जाना ट्रेस पास करना इंट्रूड करना दैट इज कॉल्ड वॉट एनक्रोचिंग इसको सेंस में आप यूज करेंगे नेक्स्ट देखो जरा मोजो वाह ग्रेट वर्ड मोजो इज कॉल्ड मोजनी मोज से मोजो बना हुआ है ठीक है ना उसके पास बहुत ज़्यादा मोज है है ना इसलिए उसका मोजो है कैरेज्मा मैजिकल चाम किसी इंसान का और राइट उस सेंस में यूज करोगे हाँ वो तो मैं मान भी लेता बुरा साहब है ना वो फेसबुक लेकर आए तो क्रिस करिश्मा नहीं है करिश्मा बोल रहा हूँ करिश्मा भी समटाइम्स इन टीचर्स इन इन इंडिया दे से करिश्मा इन नोट करिश्मा कैरिज्मा इट्स कैरिज्मा कैरिज्मा सेल्ड मैजिकल चाम आई होप यू गॉट द पॉइंट क्लियर हुआ डेल्व इंटू डेल्व इंटू का मतलब होता है कि इस चीज़ को अंदर से खोदना खोद कर कुछ निकालना डेल्व इंटू इसको सेंस में आप यूज कर सकते हो डेल्व इंटू अच्छा वर्ब है ये फ्रिजल वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है डिग समथिंग ठीक है ना किसी को खोदने के सेंस में यूज़ होता है मोजो अच्छे अच्छे वर्ड आ रहे हैं मोजो है डेल विंटू है एनक्रोचिंग है ठीक है स्टैगरिंग है एस टी ए डबल जी ई -E आर आई एन जी स्टैगरिंग का मतलब क्या होता है स्टैगरिंग आप यूज़ कर सकते हो शॉकिंग की सेंस में यूज कर सकते हो स्टैगरिंग क्या होता है शॉकिंग होता है ठीक है ये आप यूज़ कर सकते हो आई होप यू गॉट द पॉइंट क्लियर हो गया चलिए अब जो है मैं आप लोगों के सामने एक डिटेल डिस्कशन दे देता हूँ आप लोगों को जो कि आपको थोड़ा सा और अच्छा लगेगा है ना जी अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा चलिए ज़रा इसको देख लेते हैं डिटेल डिस्कशन में मैं जा रहा हूँ और ये आई थिंक एक बार अगर सभी बच्चों को ये विजिबल हो तो मुझे बता दीजिएगा कि यस सर बिल्कुल अच्छे तरीके से आपका ये जो आप हमें दिखा रहे हो पी ये विजिबल है ये आपको कुछ अच्छा फील आता है कि नहीं आता आप मुझे बताना ज़रा ज़रा सारे बच्चे एक बार जैसे मैं आप लोगों को एज़ इट इज़ पेपर ऐसे ले आता हूँ और अगर आप लोगों को वही लाइन दिखती हैं जो आप लोग ऑफलाइन पेपर में या हार्ड कॉपी में पढ़ोगे तो कुछ अच्छा फील आता है कि नहीं ईमानदारी से बताओ कुछ देखो आप लोगों से तो पूछूंगा ना कैसे पूछूंगा नहीं तो अगर आपको अच्छा लगता है तो ये और इसलिए तभी तो इसको फिर कंटिन्यू कर रहे हैं ना मेरे ख्याल से इससे बेस्ट मेरे ख्याल कोई चीज़ बात और नहीं हो सकती है ठीक है ना क्यों यही आप लोगों को वहाँ पर मिलेगा और एक एक लाइन करके आप लोगों को एक डिफरेंट वे से हम लोग इसको पढ़ लेते हैं फिर यहाँ पर ठीक है ना थैंक यू सतीश थैंक यू सो मच अब पता नहीं बाकी कितने बच्चे हैं बोलेंगे जो जो बोलते हैं ऑफ कोर्स सर इट फील्स गुड थैंक यू यार थैंक यू देखें जरा फिर आगे देखो जरा द पावर ऑफ स्क्रूटनी है ना स्क्रूटनी की जो पावर होती है आइए जरा उसको देखते हैं सुप्रीम कोर्ट देखो भाई वो जो बोल रहा था कौन था वो विक्रम सिंह रावत था देखो विक्रम बेटा सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रक ए ब्लो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट फॉर इंक्विजिटोरियल पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर्स अगेंस्ट सोशल मीडिया कंपनीज राइट ठीक है ना फॉर इंक्विजिटोरियल पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर्स अगेंस्ट सोशल मीडिया कंपनीज जितने भी जो पावर्स होते हैं कि ये क्वेश्चन पुट कर दो तुम ये क्वेश्चन पुट कर दो ये क्वेश्चन पुट कर दो लेजिस्लेचर को ठीक है ना आइए जरा बात करते हैं द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लास्ट वीक अप होल्डिंग द अथॉरिटी अप होल्डिंग द अथॉरिटी ऑफ ए कमेटी ऑफ द दिल्ली असेंबली टू समन अ सीनियर ऑफिशियल ऑफ फेसबुक इज एन एक्सट्रीमली निवाश रिकोगशन समझ में आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वर्डिक्ट जो है लास्ट वीक का लास्ट वीक उन्होंने ये फैसला दिया उन्होंने अब होल्ड किया जजमेंट जज्ञ, को सपोर्ट किया है ठीक है ना अथॉरिटी ऑफ ए कमेटी ऑफ द दिल्ली असेंबली टू समन वैसे अगर मैं बात करूँ ये वाला समन जो है यहाँ पर यूज, गलत यूज इस, 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 इसने गलत ग्रामर यूज़ कर रखी है इसने इसने यहाँ पर आना चाहिए टू एस यू डब्लम ओ एन एस समन्स ये वाला समन्स होना चाहिए समझ में आया समन्स होता है समन्स ये वाला सम, वो समन्ध तो किसी को बुलाना होता है तो कोई कोर्ट की बात हो रही है तो वो समन्स होना चाहिए ये मैं कई बार मैं जो अपने मेरे बैचेज हैं या तो एक बार इसको वीडियो बना दूंगा एक इसकी ठीक है ना ये बोल रहा है देखो वो कह रहा है अंकुर श्रीवास्तव सर समन्स होगा ठीक है ना <coughs> समझ में आया ना ऐसे है थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑफिशियल कॉल वेरी गुड अंकुर वही बात थी है ना वो बात मैं बता रहा था देखो ये ग्रामर पॉइंट्स हैं ईमानदारी से बताओ सारे बच्चों को पता था ये बात क्या ईमानदारी से बताओ समन्स होता है ये टू समन्स अ सीनियर देखो भाई इसको बोलो द हिंदू वाले को भाई ग्रामर पढ़ ले ठीक है समन्स हो जाएगा एस यू डबल एम ओ एन एस समन्सड समन्सड ठीक है ना टू समन्स अ सीनियर ऑफिशियल ऑफ फेसबुक इज एन एक्सट्रीमली न्यूस्ट रिकोगशन बहुत ही एक्सट्रीमली बहुत ही एक बारीकी का पहचान से लॉ को पहचाना है उन्होंने एक्सट्रीमलीकनीशन है ना बोलते ना माइनर रुवें बारीकियां इतनी बारीकिया लॉ में तो बड़ी बारीकियां होती हैं आपको पता ही है <coughs> चलो आगे जरा देखो ऑफ द एक्सट्रीम एक्सटेंड पावर्स ऑफ द स्टेट असेंबली इन मैटर रेगुलेटेड बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ठीक है ना कि स्टेट्स की क्या पावर्स है आइए जरा देखते हैं द क्वेस्टन मार्क अबाउट द पावर्स एरोज इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज फेसबुक हुज़ इंडिया वाइस प्रेजिडेंट अजीत मोहन ये बीजेपी के काफ़ी करीबी हैं अजीत मोहन साहब वॉज रिपीटेडली सम्म ये भी गलत लिखा हुआ है और देखो क्या बुरहाल मचा रखा है जिसने दैट विल बी एस यू डब्ल एम ओ एन एस ई डी अब देखा तुम लोगों ने देखा ग्रामर इज़ नॉट द ओनली थिंग इन दिस वर्ल्ड जो तुम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को बोर बनाते हो तुम लोग कहते हो ये मास्टर को बढ़िया पढ़ाना नहीं आ रहा कोई भी है मतलब ए बी सी टीचर ग्रैमर इज नॉट द ओनली थिंग इन दिस वर्ल्ड योर वकैब इज़ दी ओनली थिंग क्योंकि इस बंदे के पास वकैब अच्छी है ग्रामर गलत भी लिख रहा है फिर भी द हिंदू में आर्टिकल दे दिया देखो अगर देख रहा होगा तो बेचारा परेशान हो रहा होगा कि यार क्या बात हो गई है ये भाई साहब अगर आप देख रहे हो मेरा आपकी गलती निकालने का कोई भी मतलब नहीं है सच में बोल रहा हूँ विद्या की कसम मुझे अपने बच्चों को सही करना है क्योंकि उनको आर्टिकल नहीं लिखने उनको ग्रामर आती है बैंक पीओ का पेपर देना है उन लोगों को ठीक है इसीलिए सॉरी अगले को बोल देना वो ये गला बुरा अगला माने। Summoned by Delhi बाई दिल्ली कमेटी on कमेटी ऑन पीस एंड the ऑन द सब्जेक्ट ऑफ दिल्ली राइट दो हजार बीस के जो राइट हुए थे आर्ग्यूड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट दैट दिस वॉज अ केस ऑफ ओवर रीच उन्होंने बोला अजीत मोहन साहब ने कहता सर ये तो ओवर का केस है इनकी तो हिम्मत ही नहीं है मुझे बुलाएं दैट दिल्ली लॉ दिल्ली इज लॉ एंड ऑर्डर केम अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और जो दिल्ली का जो, जो लो एंड ऑर्डर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है दिस वॉज ऑल्सो द पोजिशन टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विच आर्ग्यूड दैट द दिल्ली असेंबली हैड नो जुरुडिक्शन इन दिस मैटर समझ में आया अब दिस वॉज ऑल्सो द पोजिशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसी को सपोर्ट किया कि सर दिल्ली तो असम्बली का कोई भी जुरुडिक्शन इसमें है ही नहीं दोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑल्सो पॉइंटड आउट दैट इट वॉज गवर्न बाय आई टी एक्ट ऑफ बताया ना आप लोगों को इट वॉज गवर्न बाय आई टी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड दिस इज नॉट देयर फॉर सम थिंग दैट एनी स्टेट गवर्नमेंट कैन बी कंसर्न विद आई होप यू गोट माई पॉइंट क्लियर हुआ कि भाई किसी ये तो मैं तो फेसबुक जो है मैं तो जी आई टी एक्ट के तहत चलती हूं इनकी क्या हिम्मत है मुझे बुलाएं तुम लोग बुलाओ दिन अपन ठीक है ना अब यहाँ पे ये बात ठीक हो इधर ये ठीक बोल गया अब पता नहीं ये समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा है अब होल्डिंग देखो यहाँ पे समन्स लिख दिया या तो फिर वो टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा ऐसा कुछ हुआ होगा टाइप किसी से करवाया होगा तो उसको आड़ू को नहीं पता होगा यहाँ ठीक लिख दिया भाई साहब इधर आपने ठीक लिखा है द कोर्ट इन अप होल्डिंग द समन्स डिड नॉट गो समन्स डिड नॉट गो मेयरली बाय द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ ए हाउस इट राइटली सैड the assembly does not only perform function of legislating. there are many other aspects of governance which can form part of the essential functions of the legislative assembly and consequently the committee. its point was that the inquisitorial and recommendatory powers of a house can be used for better governance. inquisitorial question, power. question right, got it, na? that the inquisitorial टरी पावर्स ऑफ ए हाउस कैन बफ कैन बी यूज फॉर बेटर गवर्नेंस ठीक है ना कि ये जो क्वेश्चन करने वाले हाँ भाई तूने ये काम क्यों किया जरा बता तो हमें ये नहीं देखना कि ये स्टेट की स्टेट की सर सर या, या, या संबंध होता है विवेक यार मैं एक वीडियो बना दूंगा कोई बात नहीं अभी इसमें टेंशन ऐसा करते हैं मैं अभी ना क्या करूँगा आज शायद रेक्टिफिकेशन ऑफ एर का कोई क्वेश्चन है आज वो टॉपिक है सात चार बजे वाला हल्का सा मुझे ग्रुप में रिमाइंड करा देना या कोई बच्चा बता देना सर एक दो क्वेश्चन समझ के डाल दो और टेंशन वहीं मुका देंगे सारी ठीक है ना आज चार बजे मैं जो क्लास लूंगा टेक्स्ट बुक के ऊपर वहां पर ये सारा काम क्लियर कर दूंगा अभी मेरे ख्याल से क्योंकि चालीस मिनट का तीस मिनट का टॉपिक है वो दिक्कत हो जाएगी अभी ठीक है ना बेटा टेंशन ना लो आज चार बजे आना काम खत्म सो रिकमेंडेटरी पावर्स ऑफ ए हाउस कैन बी यूज बेटर गवर्नेंस इट इज ऑल्सो कॉशन द कमिटी फॉर ट्रांसग्रेसिंग एंड क्रोचिंग इन टू एनी फील्ड रिजर्व फॉर द यूनियन गवर्नमेंट राइट लेकिन उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई कमेटी को भी ये बोला है कि देखो भाई ये यूनियन गवर्नमेंट की बात है वो तो ठीक है तुम लोगों को यार कम जो है इसमें इंक्रोच करना चाहिए लेकिन तू भी सुन ले इसका मतलब ये नहीं है कि ये बोल ही नहीं सकते बोल तो सकते हैं ना कोई बात अच्छी है तो उसको बोल सकते हैं तो दोनों सुप्रीम कोर्ट किसी की साइड नहीं ले रहा ना तो दिल्ली गवर्नमेंट की साइड ली ना बीजेपी गवर्नमेंट की साइड ली सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड ली उन्होंने एकदम से बोल दिया भाई देख भाई ये भाई तो तेरा भाई है इसकी बात अगर कोई मान रहा है तो बात मान ले ऐसे बात बोल दिया सिग्निफिकेंटली uh, जो मैदान का लड़ाई जो चल रही है कि किसका कहां पावर है यही सत्ता के यही नशे में मर जाते हैं एक दिन फिर इनको हार्ट अटैक आ जाता है फिर अपना गोली हो जाते हैं बिटवीन द सेंटर एंड गवर्नमेंट एंड दिल्ली गवर्नमेंट समथिंग दैट द बेंच led by जस्टिस एस के कौल डिड नोट डिस्कशन अबाउट द स्प्रिट ऑफ फेडरलिज्म जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा राइट सेंटर एंड स्टेट्स का जो रिलेशनशिप है जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा ठीक है ना उसको कम से कम हमने उन्होंने ऊपर रखा है राइट नॉट जस्ट दैट इट ऑल्सो कम्स एट एंड सोशल मीडिया इंटरमीडियटीज आर लीगली फाइटिंग सम आस्पेक्ट्स ऑफ द न्यू आई टी रूल्स दैट गवर्न दैम और ये उस टाइम पर भी आया है जैसे आपने देखा होगा व्हाट्सएप ने हाईकोर्ट में केस डाला हुआ है ट्विटर ने उसने केस डाला हुआ है तो कुछ एक सोशल मीडिया जो इंटरमीडियटी है उनका जो है सोशल मीडिया मीडियरीज का उन्होंने भी जो है कुछ जो उनके लिए भी ये एक कुछ ना कुछ बात सीखने वाली हो जाएगी द कोर्ट रिफ्यूज टू बाय द दर्ग्यूमेंट दैट सोशल मीडिया इंटरमीडियज आर मेड ए प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज विदाउट परफॉर्मिंग एनी सिग्निफिकेंट रोल आइडिया कोर्ट आउट राइटर इज रिजेक्टेड दिस बिकॉज दे देड कि सर हम तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है हमारा काम से सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है सुप्रीम कोर्ट सेड नो

on vast areas of subject matter, which ultimately affect the governance of states. Okay, got it or not, that uh, misinformation which is social media that has a direct impact on vast areas of subject matter, which ultimately affect the governance of states. Given the constraints of the powers of the Delhi Assembly, vis-a-vis -vis law and order, the very fact that the court found that its committee still could summon द फेसबुक इंडिया ऑफिशियल विदाउट एनक्रोचिंग अपन द टर्फ ऑफ द सेंटर नाउ ओपन द गेट्स फॉर स्क्रूटनी ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बाई अदर स्टेट्स ऑल्सो अब ये क्या ये तो और बढ़िया बात हो गई अब हुआ क्या अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया देखो मेरी बात सुनना कितना मजा आया अब एक चीज़ों को जब तीन चार बार पढ़ते हैं तब तो और कुछ निकल के आता है अब ये बात उस टाइम पर नहीं समझ में आई थी जब मैं इसको दो तीन बार पहले पढ़ रहा था अब वह क्या कह रहा है देखो कह रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को ये पावर दे दी है स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज को ये पावर दे दी है कि वो सेंटर की पावर्स को एनक्रोच किए बिना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को गवर्न कर सकते हैं मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को थोड़े से गहराई वाले पॉइंट आ गए हैं भाई देखो आप लोग बच्चे हो, नहीं हो अब बड़े बच्चे हो कोई भी है चाहे आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो इन चीज़ों का पता होना चाहिए आप लोगों को राइट समझ में आया ये आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चीज़ें हैं ये कुछ नहीं है और मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है ओके अब अगर मैं बात करूँ हाँ ये नहीं कि मेरे पास अभी जो है एक बहुत बड़ा कैमरा और डिजिटल बोर्ड नहीं है ठीक है ना इसलिए मैं आप लोगों को उस लेवल पे बड़ा दिखा करके नहीं दिखा सकता लेकिन आपको मैं जो भी है मेरे पास सेटअप है मैं उसको दिखा रहा हूँ आप लोगों को उससे समझ में आना चाहिए आप लोगों को बात तो यही है हमें और क्या करना है तो उन्होंने ये बोला कि जो दूसरे स्टेट है जैसे अब कोई पंजाब स्टेट है हिमाचल प्रदेश है हिमाचल प्रदेश को ट्विटर के ख़िलाफ़ कुछ बोलना है अब वो फंसेगा ठीक है ना ट्विटर फंस जाएगा यहाँ पर गुजरात को कुछ बोलना है अब क्यों क्योंकि वो बोल देंगे सर आपने दिल्ली वाले केस में तो यही बोला था इनको तो हम सर सेंटर को तो हम इनक्रोच कर नहीं रहे हम तो इनको ये बात पूछ रहे हैं तो क्यों है अब बात तो इसी गवर्नेंस की बात हो रही है भाई इससे इनको अच्छा भी लगेगा लो लोनडोडो थोड़ा सा संभलेगा तो दिस स्टेज इज सेट फॉर मोर स्क्रूटनी अब और स्क्रूटनी आगे देखेंगे क्या क्या आगे आएगा पंजाब आगे खड़ा होता है हरियाणा आगे खड़ा होकर आता है यूपी खड़ा होता है क्या क्या खड़े होते हैं आप देखेंगे लेटेस्ट सी टाई एट द टॉप राइट तो जब भी हम कोई जो टेनिस का मेजरमेंट की बात करते हैं या तो रोजर फेडरर का नाम आता है या नो का आता है ठीक है ना बट अब जो है दैट इज अ फ्यूटल एक्सरसाइज अब नोवाक जोकोविच कम्स थ्रू द मोस्ट सियरिंग ऑफ एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स टेस्टामेंट ऑफ विद जीनियस राइट ये बात बता रहे हैं सर्बिया के हैं ये ठीक है अब ये भी आप लोगों के इन्होंने भी पुलिंग लेवल विद सेलिब्रेटेड डुओ ऑन ट्वेंटी ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल बीस इनके भी अब हो चुके हैं ये मैंने उस दिन मेरे ख्याल हम कुछ दिन पहले बात भी कर रहे थे कि इनके बीस होने में एक की कसर रहती है वो अपना इनके भी अब पूरे हो चुके हैं तो आप ये देख सकते हो एक पॉइंट मेरे को मेरे को अभी और अभी मेरे पास छः मिनट हैं और ये मुझे बताना इसके रिगार्डिंग प्रायोरिटाइजिंग स्कूल स्कूल रीओपनिंग ऑन द रोड टू रिकवरी आप लोगों से सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस आर्टिकल को कम से कम तीन से चार बार आप लोगों को घर पे पढ़ना है प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू गाइज क्यों किसी इस चीज़ का मैं भैया कुछ बोल रहा हूँ तो इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ बात होगी तभी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ठीक है ना गॉट इट है ना ओके okay? आप लोगों को कम से कम ये कम से कम तीन या चार बार ये आर्टिकल को पढ़ना है क्योंकि इसमें बहुत ईजी लैंग्वेज लिखी हुई है पहली बात तो ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज है आप लोगों को ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर मिलेंगे आप लोगों के स्पोकन पार्ट को, को सुधारने में ये बहुत हेल्प करेगा Most schools in India, देखो मोस्ट स्कूल्स स्कूल्स इन इंडिया जो होता है वो प्लूरल नाउन है तो मोस्ट प्लूरल के लिए भी आता है और अनकाउंटेबल के लिए भी आता है मोस्ट स्कूल्स इन इंडिया हैव बीन सिंस द नेशनल लॉकडाउन स्टार्टेड इन मार्च ट्वेंटी वट आर द कॉस्ट ऑफ कीपिंग द स्कूल्स क्लोज हाउ डू दिज कॉस्ट कंपेयर अगेंस्ट द रिस्क ऑफ स्कूल री ओपनिंग रिओपनिंग विन टू दिज क्वेश्चन इन को खोद के निकालें डेल्व इन टू दीज क्वेश्चन कम ऑन लेट डिस्कस करने के लिए रेडी हो बताओ जरा एक घंटा हो गया पता भी नहीं चल रहा देखो ठीक है ना एज कंसर्न पेरेंट्स थोड़ा सा मैं ऊपर ऊपर बता देता हूँ कोई दिक्कत नहीं है उन्होंने बोला है कि कंसर्न पेरेंट्स स्कूल एज वाले जो है जो जैसे मैं एक कंसर्न पेरेंट हूँ मेरी जो बच्ची स्कूल जाती है ठीक है ना मेरी बच्ची सिक्स क्लास में है वो स्कूल जाती है एंड शी वन डे शी टोल्ड मी डैडू अब बोर हो चुकी हूँ यहाँ पे छठी क्लास का बच्चा एक बात बता दूँ पता नहीं है, आज भी देख रही है कि नहीं देख रही आप बता दूँ अमेरिका में ये बात दो सुन रहा हूँ ये आप लोग उसको उस तरीके से मत लेना समझ में आया और दूसरों को भी समझाना अमेरिका में अमेरिका में इतने सारे बच्चों ने घर बैठ के सुइसाइड कर लिया जस्ट बिकॉज कि वह स्कूल जाना चाहते थे बच्चों ने सुइसाइड कर लिया कैन यू इमेजिन हम लोग तो बेटे बहुत अच्छे हैं हमारा कल्चर देखो आप कितना अच्छा है ठीक है ना आज भी मम्मी पापा साथ में रहते हैं बताते हैं चीज़ों को समझाते हैं ठीक है ना थोड़े से हम स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं हम लोग चीज़ों को लेके और इस चीज़ से हम बचे रहते हैं समझ में आया ना क्लियर हुआ आप लोगों को तो वो आपको मैं हूं ये बताना चाहता हूँ कि ये बच्चे इतना ये काम कर चुके हैं अब जो बच्चा सिक्स क्लास का, का जब ये बच्चा ऐसा बोल रहा है तो जो इलेवन ट्वेल्थ का है क्या हाल हो रहा होगा उसका आई वॉज इन कुरुक्षेत्रा यस्टरडे विद माई सिस्टर मेरा एक एल के लिए मैं गया हुआ था कुछ काम से वो सुबह लैपटॉप पे बैठी हुई थी शाम तक वो पढ़ते रहते हैं ये बच्चों की बहालत हो रखी है बेचारे घर में एक कमरे में बारह बाई बारह के कमरे में बैठ के उनकी पूरी ज़िंदगी बीत गई है दो साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं प्लस टू लेवल के बच्चों के लिए खास कर क्या क्या लाइफ आ गई है वो ये बात बताना चाह रहे हैं तो एज कंसर्न पेरेंट्स एक्सपीरियंस टीचर्स एंड ऑल्सो प्रैक्टिसिंग साइंटिस्ट वी हैव फॉलो डेटा एंड पब्लिकेशन्स ऑन द टॉपिक ओवर द लास्ट फिफ्टीन मंथ्स अब ये तीनों के तीनों जो हैं देखो ज़रा क्या ख़तरनाक लोग हैं यार पेरेंट भी हैं और एक्सपीरियंस टीचर्स भी हैं और ये साइंटिस्ट भी हैं तीनों ठीक है ना देखो जरा इंटरेस्टिंगली वेरियस रीजन्स अराउंड द वर्ल्ड विच हैव बीन वर्स हिट बाई नोवल कोरोना वायरस पैंडमिकन इंडिया हैव कैप्ट देर स्कूल्स स्पेशली प्राइमरी स्कूल्स ओपन अब देखो जरा यहाँ पे अब उनमें से बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो इंडिया से ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन में थे ठीक है ना जैसे उनमें पोर्चुगल है फ्रांस है नीदरलैंड्स है और यूरोपियन यूनियन के कंट्री हैं सब ने क्या कर रखा है अपने स्कूल्स ओपन कर दिए भाई बच्चों को लेके आओ कोई दिक्कत नहीं है दे स्टेड ओपन थ्रू आउट दर सेकेंड वेव और सेकेंड वेव के ओपन थ्रू करते रहे इंडिया में क्या हुआ स्कूल्स है मोस्टली बीन शट इवन अदर बिजनेसिस ओपन यहाँ पर हमने क्या किया सबसे बच्चे वो एक बात अलग भी तो है हम क्या करते हैं अपने बच्चों से प्यार भी तो बहुत करते हैं आप मेरी बात इसके ये जो है इस चीज़ को नहीं ले रहे अरे मतलब हर पेरेंट्स बच्चों से प्यार करता है लेकिन वहाँ पे कल्चर डिफरेंट है उधर प्लस टू क्लास का बच्चा कहीं रह रहा है कोई मतलब नहीं है यहाँ तो तीस तीस पैंतीस पैंतीस साल के हो गए तब हिम्मत नहीं है बाहर ये करने का पूछने का समझ रहे हो कि नहीं बात समझ रहे हो तो ये भी तो बात है ना इसलिए बच्चों को पहले हम घर ने जाने देते थे तो ना ना बोटा बाहर ना कोरोना आ जाएगा तो हालांकि होना कुछ नहीं है बॉटम हाफ ऑफ चिल्ड्रन पासिंग टेंथ क्लास आर अबाउट टू ईयर्स बिहाइंड टर्म्स ऑफ स्किल दस साल दो साल वो पीछे जा चुके हैं वो ठीक है ना क्या उनका फ्यूचर होगा वट विल दे डू देअर फ्यूचर क्या होगा उनका ये फ्यूचर देखो जरा डज इट नॉट पुस्ट द नेक्स्ट डीपर इन टू पोवर्टी आरोनिकली अब पोवर्टी में नहीं जाएंगे वो और सबसे बढ़िया बात पता है क्या देखो एक और बात यहाँ पे हंस गया पढ़ना आप लोग दोबारा कह रहे है कि जितने भी पुअरेस्ट फैमिली हैं जो अर्बन सलम्स एरिया में रहते हैं मुंबई के स्लम्स में जो रहते हैं दिल्ली में सलम्स में जो रहते हैं वो लोग जो हैं फर्स्ट वेव का ब्रंट उन्होंने देखा उन्होंने बेयर किया अब वो वायरस से इम्यून भी हैं उनको कोरोना होकर चला भी गया जिंदा भी हैं और उन्हीं लोगों को जो है अब स्कूल जाने की इजाज़त नहीं है कैन यू इमेजिन नाउ भाई आप लोगों के पास तो लैपटॉप है तुम्हारे पास तो फ़ोन है अभी देखो मेरे पास पढ़ रहे हो बैठ के है ना वो बच्चे के पास कल छः लैपटॉप उनके घर रखे हुए थे तो अब तुम मेरे पास तो लैपटॉप है पढ़ रहे हो जो जो झोपड़पट्टी में रह रहा है जिसका एकमात्र सहारा वो गवर्नमेंट स्कूल ही था जो बंद पड़ा हुआ है उसका क्या हाल हो रहा होगा कैन यू इमेजिन नाउ आई थिंक यू आर यू आर अब आप कुरेट कर रहे हो चीज़ों को ओके okay? so, सो नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी का इस्टिमेटेड है कि टू थर्ड चिल्ड्रन यानी कि अगर सौ बच्चे हैं कहीं पे तो छियासठ बच्चे जो हैं उनमें से दे ड्रॉप आउट ऑफ द स्कूल रूरल इंडिया का ये है स्टैगरिंग स्टैटिस्टिक विच इज लाइकली टू क्लोजर हरियाणा के रिपोर्ट बता रहे हैं कि इस बार का 42 परसेंट का ड्रॉप आउट हुआ है स्टूडेंट के एनरोलमेंट में 42 परसेंट बच्चे स्कूल में ही नहीं आए हैं यह प्रोलॉन्ग स्कूल शट जो है ये सेट बैक हुआ है इंडिया टिल सच इज चाइल्ड लेबर और इसको क्या करेगा चाइल्ड लेबर आप लोगों का यह बढ़ाएगा अब जिससे हम जितना हम लोग जो है चाइल्ड ट्रैफिकिंग चाइल्ड लेबर को हम कम करना चाह रहे हैं ये गुरु जी और प्रॉब्लम देख रहे हैं एट लैख एडिशनल चिल्ड्रन वुड फेस अंडर वेट एंड वेस्टिंग अब ये ये डेटा और बता रहा है कि अगर ये सिचुएशन ऐसी चलती रही मिड डे मील तो मिल नहीं रहा है स्कूल बंद है तो मिड डे मील बंद है मिड डे मील स्कीम अगर बंद है तो उनको खाना बढ़िया मिल नहीं रहा है उनको खाना बढ़िया मिल नहीं रहा है माल न्यूट्रिशन आ जाएगा कोई किसी का हाइट रुक जाएगा अब आप लोग तो खाना खा सकते हो उनके लिए तो वही मिड डे मील स्कीम ही मिल है ना भारत भारत इतना अमीर नहीं है ना एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम पता है क्या मैं अमीर मेरा फ्रेंड फ्रेंड भी अमीर वो वाला फ्रेंड भी अमीर हाय हाय तान्या तान्या भी अमीर पूजा भी अमीर समझ में विक्रम भी अमीर रेखा भी अनर दार्शनदीप भी अमीर सारे अमीर गरीब कहाँ हैं गरीब तो है ही नहीं कहीं पर लेकिन हम ये सोचते हैं कि जहाँ हम रह रहे हैं वही अमीरी होती है इंडिया इज नॉट दैट इंडिया दैट यू फील आप बाहर निकलोगे तब तो आपको पता चलेगा ठीक है ना तो हेल्थ बींग के कंसर्न है अब ये हुआ देखो लास वेगास में यूएस में ए सर्ज ऑफ स्टूडेंट सुइसाइड देखने को मिली है फोर्स्ट स्कूल री ओपनिंग जनवरी 2021 में और लास्ट यूएसए में क्या हुआ समझ में आया तो वहाँ पर इतने ज़्यादा बच्चों ने सुइसाइड कर लिया ये प्लीज़ आप छोटे बच्चों को समझाओ कि बेटा अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो तुम्हें अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक से अगर तुम्हें थोड़ा फुर्सत मिल जाए तो उनको समझाओ उनको बताओ कि बेटा अच्छी बात है ये अगर आप अभी घर में हो तो कोई बात नहीं मैं तेरे साथ हूँ चल मैं तुझे चला घुमा के ले आता हूँ ऐसे बच्चों को मोटिवेट करो उनको बता तो है नहीं कुछ बच्चों को उनके साथ हो क्या रहा है इतनी बड़ी बात बोल नहीं सकता ना एक जैसे जो बच्चे ग्रेजुएशन वाले हैं उनको बात करने का तरीका आ जाता है कैसे बात अपनी रखनी है जो टेंथ क्लास के बच्चे उसको पता ही नहीं करना क्या है समझ में आया तो इसीलिए इसीलिए जो है आप लोगों को इनको इन बच्चों को संभालना पड़ेगा आप लोगों को फोर्टी परसेंट राइज़ हुआ है बच्चों में वो एंटी डिप्रेसेंट ले गए हैं भगवान मेरा दे कहाँ जा रहा है संसार अमेरिका में चालीस परसेंट बच्चे ऐसे हैं जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन पे चल रहे हैं आ, आप लोग डिप्रेस हो डिप्रेशन गोली खा रहे हो देखो तुम्हारी स्माइली कैसे कैसे मोजी भेज रहे हो तुम लोग बहुत अच्छे हो आप लोग पता है तो ओबेसी बात है भाई जान है तो जहान है लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एजुकेशन बात तो सही है लेकिन ये जो प्रोलॉन्ग शटडाउन आप लोगों के चल रहे हैं इसको और डीपर रिस्क जो है आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा ठीक है ना अब एक एक स्टडी की है आप लोगों ने यू में आ, वो बता रहे हैं प्रोफेसर एस राज भोपाल ने उन्होंने ये बताया है कि जो कोविड नाइन्टीन की जो डेथ है या डेथ बच्चों में जो डेथ का जो रिस्क है वो बीस गुना कम है इस स्टडी ने ये बोला अमंग द नियरली टू मिलियन चिल्ड्रन इन स्वीडन में थ्रू आउट फाउंड दैट देर वॉज नॉट अ सिंगल सिंगल चाइल्ड डेथ ड्यू टू कोविड नाइनटीन बच्चों एक भी बच्चों का एक भी बच्चे का जो है क्वेश्चन वो आप एक भी बच्चे का जो है डेथ वहां पर नहीं हुआ है समझ में आया इस सेंस में यूज कर सकते तो हम ये हमें ये काम नहीं करना चाहिए हमें चीज़ें देखनी चाहिए ठीक है ना वैक्सीनेशन बच्चों की हमें जल्दी करनी चाहिए यहाँ पर वो वही बता रहा है बच्चों को वैक्सीनेट करना चाहिए जितना जल्दी वैक्सीनेट करेंगे उनको उतना जल्दी रिस्क जो है वो आप लोगों का बंद बंद हो पाएगा ठीक है ना ये फियर है इस फियर को हमें हटाना पड़ेगा इसको आप लोग जरूर पूछ लीजिए यस आप जरा अंकुर आप आँख जो है आ, जो है आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो मैं आप लोगों को अभी एक दो पॉइंट वन लाइनर का मैं लेके आया हूँ वो वन लाइनर मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ देखो जरा ठीक है यहां पे जरा देखते हैं ये है हमारे नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को डायरेक्ट किया है प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी को क्या टू अपॉइंट नेपाली कांग्रेसी चीफ शेर बहादुर देवबा ये आप याद कर लीजिएगा आपका ये वन लाइनर में कभी भी आप लोगों का ये किसी एफ कैट में सी में आपका बन जाएगा ठीक है शेर बहादुर देवबाज प्राइम मिनिस्टर बाई ट्यूजडे मिस्टर देवबा जो है वो सेवेंटी फोर के हैं और प्राइम मिनिस्टर ये चार बार प्राइम मिनिस्टर ये बन चुके हैं वो बोल देगा तीन बार बन चुके हैं पांच बार बन चुके हैं ठीक है तो ही इज़ द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द हाउस लीडर ऑफ द अपोजिशन है प्लीज इंपोर्टेंट एक वन लाइनर आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए नेपाल के जो अभी इनकम्बेंट पी एम हैं जो आज ही बने हैं ट्यूजडे तो आज ही है, आज बने हैं उनके बारे में मैं आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें बताई हैं ग्रामर का पॉइंट देखेंगे जरा ये और देखो वन लाइनर में वर्ल्ड नंबर वन नोवाक जोकोविच डिफिडिड मैट्रियो बेरेटेनी मैटियो बैरिटी छ सात छ चार छ चार छ तीन के सेट तो में उन्होंने उसको हरा दिया एन विबल्डन दो हजार इक्कीस ठीक है ना और नॉट क्लियर है यस yes, अंकुर ग्रामर पॉइंट देखिए जरा सिग्निफिकेंटली द वर्ड इट कम्स सिग्निफिकेंटली जो होता है कॉन्सिक्वेंटली जो होता है राइट right, अनफॉर्चुनेटली जो होता है दे आर कॉल्ड सेंटेंस एडवर्ब्स इनको क्या कहा जाता है सेंटेंस एडवर्ब लिख सकते हो आप एक बार वर्ड सेंटेंस एडवर्ब्स सेंटेंस एडवर्ब्स जो होता है वो एक इतना अच्छा वर्ड होता है ना तो वो किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता ना किसी वर्ब को करता ना किसी प्रेप को करता वो आप लोगों का वो आप लोगों का पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है ओके हु इज द बेटर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हु इज द बेटर ऑफ द टू कैंडिडेट्स नो एरर इसमें कोई एरर है ही नहीं हु इज़ द बेटर ऑफ़ द टू हु इज़ द बेटर ऑफ द टू क्योंकि ऑफ द टू के साथ हम बैटरी लगाते हैं ठीक है ना बेटा अंकुर मेरे ख्याल से इसमें एरर नहीं है और दूसरी बात ये है हाँ ये भी बात एक आपकी बात सही है इसमें अगर एक एरर आप लोगों का ये बन सकता है मैं आपको बताता हूँ देखो विच जो होता है ना वो बात बिल्कुल सही है एक होता है विच एक होता है हु आपकी बात बिल्कुल सही है दीपिका जो बोल रही है जब हमें हमारे पास सिलेक्शन हो ये वाला पॉइंट हमेशा ध्यान रखना ये वाला देख लो भाई ये ये अब आप आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा ए हु के सेंस में मैं ऐसे बना के और ये छोड़ देता हूँ ठीक है ना जब भी हम सिलेक्शन की बात कर रहे होते हैं जब भी हम सिलेक्शन की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम वैसे तो हु और हुम जो है बेटे वो हमारा ह्यूमन बींग्स के लिए लगता है लेकिन विच एक ऐसा है विच एक ऐसा है ठीक है जिसमा जिसमें आप ह्यूमन बींग्स के साथ भी आप विच लगा सकते हो जब आप सिलेक्शन की बात कर रहे हो तो यहाँ पर आप लगाओगे विच ऑफ विच जो है विच इज़ द बेटर ऑफ द टू कैंडिडेट्स समझ में आया जैसे मैं अगर मेरी बात सुनो अंकुर मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ ध्यान से सुनो ये देखो अगर मैं ये बोलूँ ये आप लोगों के भाई कुछ लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर एक दो तीन चार मैं आपसे पूछता हूं आपका भाई कौन सा है तो अंकुर यहां पर इसमें ये लिखूंगा विच इज योर ब्रदर अमंग बॉयज ऐसे करूंगा मैं अंकुर अब समझ में आया आई थिंक समझ में आया विच इज़ योर ब्रदर अमंग दीज बॉयज विच इज योर ब्रदर अमंग दीज बॉयज अब यहां पर विच लगाऊं या अगर मैं यहां पे हु लगाऊं 101 सौ परसेंट यहाँ पर विच आएगा हु नहीं आएगा आई होप अंकुर आई यू कैन से डिड सेटिस्फाई यू नाउ ठीक है ये पॉइंट हो गया एंड थैंक यू सो मच यू हैड द पेशेंस और आपने इसको लास्ट में पूछा काफ़ी अच्छा लगा ये बात ये एक तरीका होता है आपने जो इसको शो किया है जरा मैं आप अपना पॉइंट बता देता हूं तो सिग्निफिकेंटली दर्ड इट कम्स वर्ड इट कम्स राइट टू लेगा बेटा राइट के साथ टू लेता है राइट टू मी राइट टू संबडी होता है राइट टू संबडी ठीक है ना ओके अंकुर वर्ड इट कम्स एमिड लॉन्ग फेज ऑफ डिस्कॉर्डेंसमेंट ओवर बिटवीन देंट्रल गीजिए जो आप लोगों का अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है क्योंकि बिटवीन और अमंगउबल तो के लिए यूज होते हैं यहां पर आप देखो लॉन्ग फेज ऑफ डिस्कॉर्डेंस डिस्कॉर्डेंस का मतलब होता है डिसग्रीमेंट डिस्कॉर्डेंट का मतलब क्या होता है disagreement तो अगर मैं यहां पर डिसग्रीमेंट की बात कर रहा हूं डिसग्रीमेंट को आप काउंट तो कर नहीं सकते कि मेरे पास पांच डिसग्रीमेंट है क्या डिनाट डिसग्रीमेंट को आप छू सकते हो उसको छू भी नहीं सकते टच भी नहीं कर सकते समझ में आया इस सेंस में आप बोलोगे अगर वो देखो फिर राइट इन इंक होता है ना फिर वो तो देखो इन इंक वो इंक के लिए बोलो आप लोग इंक जो होता है यस महेश M, there, तो उसमें मैंने बताया था राइट इन इंक होता है बिल्कुल एक सौ एक परसेंट सही है अंकुर ठीक है राइट इन इंक होता है मैं वो बता देता हूँ कोई बात नहीं देखो अगर मैं ये बोलूं ही इज राइटिंग हिज राइटिंग टू ही इज राइटिंग टू अंकुर वो अंकुर को लिख रहा है ठीक है ना कोई लेटर लिख रहा होगा ऑब्वियस बात है ही इज राइटिंग इज राइटिंग विद ए पेन वो पेन से लिख रहा है और पेन वो शाही वाला है ही इज राइटिंग इन इंक ये लो आई थिंक ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों के तीनों के तीनों सेन्टेंसेज आपके सारे डाउट दूर कर देंगे अब थम्सअप दिखा सकते हो ठीक है ओके गॉड इड आर नॉट किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत तो ये तो मैंने बताया हुआ है यार क्या बात करते हो आप प्रेपोजिशन देखो मैंने बताया हुआ है इसको ठीक है ना गॉट इट और नॉट क्लियर है चलिए ये पॉइंट आप लोगों के हो गए यहाँ पे अपने सेशन को आप एंड करते हैं अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो आप मुझे बता सकते हो राइट और आप जितने भी बच्चे जो नए जुड़ते हैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्लास में डेली आएँ देखें क्लास को इन्जॉय करें जितना ज़्यादा इसकी इसका कितना वर्साटाइल ये क्लास है आपको आई से रिलेटेड ग्रामर से रिलेटेड इंग्लिश स्पोकन पार्ट से रिलेटेड आप लोगों की वैब से रिलेटेड कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड टेस्ट रिलेटेड क्या क्या चीज़ें इसमें आप लोगों को मिल जाती हैं तो ये एक घंटा जरूर सुबह सुबह लगा दिया करो थैंक यू सो मच टेकर बाबा बाय जय हिंद कभी कमेंट भी कर दिया करो जो बाकी सिर्फ दो तीन बच्चे कमेंट करते हैं वो दिखता है मुझे सब